गुड इवनिंग। आज मैं एक पेशेंट के बारे में बताऊंगी जो फुल टर्म प्रेगनेंसी वाले हैं, और दो दिन पहले हमने उनका सिजेरियन करना पड़ा। पेशेंट को लीकिंग हो गया था, मतलब उसका पानी जाने लगा था। उसके पहले उसका जो मेन कंप्लेंट था वो ये था कि दो दिन से बच्चा नहीं घूम रहा है। तो वो जब मुझे दिखाने आई तब मैंने चेकअप किया तो उसका धड़कन वगैरह मिल रहा था, और हमने सोनोग्राफी करवाई। सोनोग्राफी में बहुत ज़्यादा कुछ ख़राब रिपोर्ट आया नहीं, फिर भी मैंने बोला कि आप मूवमेंट के बारे में बहुत ध्यान रखिए और कल ज़रूर आइए। मूवमेंट अगर नहीं होगा तो हमको सीटीजी वगैरह करके वापस रिपीट देखना पड़ेगा, या अपने को समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं घूम रहा है। सोनोग्राफी में कुछ ऐसा रिपोर्ट आया नहीं, पर रात को उसको बहुत लीकिंग हो गया और बेबी का वेट कम से कम 3 किलो 600-700 के करीब। तो इसलिए फिर एक टाइम बाद हमने डिसाइड किया कि इसको ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं बेबी को। हॉस्पिटल में आने के बाद उसकी सीटीजी रिपोर्ट बहुत अच्छा नहीं आ रहा था। सीटीजी एक जांच है जिसमें हम बच्चे का धड़कन, बच्चे का मूवमेंट, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। जब ऑपरेशन किया मैंने तब उसमें क्रॉनिक मेकोनियम स्टेनिंग मिला, मतलब उसके जो मेम्ब्रेन, प्लेसेंटास, हर जगह काफ़ी टाइम से बच्चा स्वस्थ नहीं था अंदर। सिर्फ उसमें एक ही चीज़ जो समझ में आ रहा था वो माँ कंप्लेन कर रही थी कि बच्चा कम घूम रहा है, बच्चा घूम नहीं रहा है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि कई बार हम लोग माँ का जो कंप्लेंट है उसको घर वाले भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, और कई बच्चे फिर हम लोग खो देते हैं, क्योंकि कम मूवमेंट होते होते एक टाइम आता है जब धड़कन नहीं मिलता है। तो कभी भी माँ अगर बोल रही है कि बच्चा नहीं घूम रहा है तो सबसे पहला काम है कि उसको ले आएं, उसकी जांच कराएं, उसको हर तरह से समझें कि क्यों नहीं घूम रहा है। और माँ का एहसास जो है उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। माँ हमेशा, माँ को एक फीलिंग इतने 9 महीने से उसको समझ में आ रहा था कि बच्चा घूम रहा है और एकदम से नहीं घूम रहा है, उस बात को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। अदरवाइज कभी कभी दिक्कत हो जाती है। हम जब कई बार ऐसा होता है कि धड़कन ही चला गया तो धड़कन तो वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। अगर बच्चा अच्छे से घूम रहा है दिन भर तो फिर सब चीज़ें ठीक हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो ये चीज़ बताना था। मेकोनियम का मतलब होता है मोशन जो कर देता है बच्चा। बच्चा अंदर यूट्रस में मोशन तब करता है जब उसको प्रॉपर ऑक्सीजनेशन और सब चीज़ें, ब्लड फ्लो, ये सब कम मिल रहा है। तो इसके कारण बच्चा अपना मूवमेंट कम कर लेता है, और जब ज़्यादा डिस्ट्रेस होता है, उसको ज़्यादा तकलीफ होती है, तब वो थोड़े इंटरवल पे मोशन कर रहा है। तो ये क्रॉनिक मेकोनियम स्टेन पूरा जो मेम्ब्रेन, प्लेसेंटा, वहाँ हर जगह मुझे मेकोनियम मिला। तो इस बारे में सबको यही बताना था कि बच्चे के मूवमेंट का खास ध्यान रखें। नमस्ते।